आज हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि अब तो कैंडिडेट्स भी फाइनल हो गए, दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है, जैसा कि वो बार बार दावेदारी कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। विधानसभा चुनाव के लिए आज कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन प्रक्रिया का आखिरी दिन था। आम आदमी पार्टी ने अपने 70 के 70 उम्मीदवार घोषित किए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की भी तलाश पूरी हो चुकी है और 70 के 70 कैंडिडेट घोषित हो चुके। कांग्रेस पार्टी ने भी अंततोगत्वा 70 सीटों पर कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया है। तीनों पार्टियों की तरफ से कैंडिडेट अब मैदान में घोषित हो चुके हैं। आज हम सारे कैंडिडेट्स की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर श्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में सामने रख करके, मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने रख करके चुनाव मैदान में उतर रही है। कांग्रेस तो चूंकि रेस से ही बाहर है, इसलिए वो क्या करती है उसका निर्णय है, लेकिन आज हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि अब तो कैंडिडेट्स भी फाइनल हो गए, दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है, जैसा कि वो बार बार दावेदारी कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, दिल्ली के लोग अब जानना चाहते हैं, क्योंकि अब सारे कैंडिडेट्स चयन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी सभी पार्टियों की। तो भाजपा से और भाजपा के नेतृत्व से हम पूछना चाहते हैं कि आप अपने सीएम कैंडिडेट्स का, सीएम के चेहरे की घोषणा कब करेंगे, दिल्ली के लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। अभी जो पिछले एक हफ्ते में देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी हार की हताशा को बचाने के लिए पहले तो अनर्गल आरोप लगाने में व्यस्त थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से हमने देखा कि पूरी एड़ी चोटी लगाया अमित शाह जी ने कि किसी तरह से सीधे नहीं भाजपा आम आदमी पार्टी को हरा सकती है, तो किसी तरह से सारे जो भी पार्टियां हैं सहयोगी उनका गठबंधन हो जाए दिल्ली के अंदर, और शायद गठबंधन के दम पर भाजपा दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुकाबला कर सके। लेकिन हमने देखा कि हार का डर इतना गहरा है कि आज भाजपा को दिल्ली के अंदर गठबंधन करने के लिए भी जो उनके परंपरागत पार्टनर रहे हैं वो भी इसके लिए तैयार नहीं है, और ले दे करके जेडीयू से ही उनको सब्र करना पड़ा है। तो आज दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता जिस तरह से कल अरविंद केजरीवाल जी के रोड शो में सड़क पर आई समर्थन में, वो इस बात को दिखा रहा है कि दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल ने काम किया और आज दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव लड़ रही है। आज चुनाव जनता लड़ रही है, जनता आज अरविंद केजरीवाल का संदेश वाहक बन करके, अरविंद केजरीवाल का प्रवक्ता बन करके, अरविंद केजरीवाल का वॉलेंटियर बन करके हर गली मोहल्ले में चुनाव लड़ रही है। और जब कोई लड़ाई जनता लड़ती है तो जो आज पार्टियों की, दोनों विपक्षी पार्टियों की हालात दिख रही है वो उसका परिणाम है। और अगर फिर भी अभी भाजपा की दावेदारी बची है दिल्ली के अंदर, तो हम चाहते हैं कि भाजपा अपना सीएम का चेहरा घोषित करे कि दिल्ली के अंदर
अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत भी अभी भी गुंजाइश उसके नज़रिए में बची है तो अपना सीएम कैंडिडेट सामने लाए।